नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, करीब दो तीन दिन से यहां पर खबरें चलवाई जा रही है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया। आप देख सकते हैं, जो कहा वह किया, दीपावली का उपहार, संविदा कर्मचारियों के नियमित होने का खुला रास्ता। मैं बता दूं, सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले कि अभी तक किसी सरकार ने किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अडॉप्शन का काम है वो किया जा रहा है, किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज न्यूज़पेपर में भी एक पूरा जो फ्रंट पृष्ठ है वो भी इस एड से यहाँ पर भरा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता क्या है। आप इसको आसानी से पढ़ें, ये नहीं कि आपको नियमित किया। आप देख सकते हैं, नियमित करने का जो रास्ता है, जो रास्ता वो यहाँ पर खोला गया है। 1,10,000 संविदा कर्मचारी होने जा रहे हैं नियमित, अभी हुए नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, होने जा रहे हैं नियमित, यानी कि अभी किया नहीं है, इनको करेंगे। किन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा? सबसे पहले आप देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो मैसेज है, सभी प्रदेशवासियों की दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले बधाई दी है, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जन घोषणा पत्र के नीतिगत दस्तावेज में अंगीकृत करते हुए एक महत्वपूर्ण अंग, विभिन्न विभागों में कार्य संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के तहत नियमों के दायरे में लाकर नियमित किए जाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यानी कि जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स है, उसके तहत लाया गया है, उनके तहत अडॉप्ट किया गया है। मानवीय दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में लिए गए इस निर्णय के फैसले से करीब 1,10,000 संविदा कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले संविदा कर्मचारी को बधाई देता। तो दोस्तों, ये था माननीय मुख्यमंत्री का मैसेज। मैं बता दूं, किसी भी संविदा कर्मचारी को अभी तक नियमित नहीं किया है। अडॉप्शन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। 1,10,279 संविदा कर्मचारी को सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किया है। मैं बता दूं, वर्ष 2021-22 के बजट में विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की थी। साथ ही जो आप देख सकते हैं कि वर्ष 22-23 के बजट में मानदेय में 20% वृद्धि, 20% जो वृद्धि है वो सभी संविदा कर्मचारियों के नहीं की गई थी। ये जो 20% वृद्धि है, पंचायत सहायक, पैरा टीचर और रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि की थी। इसके अलावा किसी भी संविदा कर्मचारी के मानदेय में कोई 20% की वृद्धि नहीं की। पहली बार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यहां पर लागू किए गए हैं। इसका लागू करने का जो औचित्य है वो मैं बता दूं किस प्रकार से है। अगर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू होने के बाद में अब संविदा कर्मचारी की जो भर्ती है वो पब्लिक नोटिफिकेशन से होगी। यानी कि जैसे कि रेगुलर भर्ती आ रही है, वैसे ही आपका जो संविदा भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। ऑनलाइन आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, इसके बाद में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन होगा, जिसमें SC ST OBC MBC EWS और का जो आरक्षण है वो वर्गवार दिया जाएगा। साथ ही संविदा कर्मचारी का 5 साल तक काम करने पर पदों के नियमित होने पर स्थायी किया जाएगा। आप देख सकते हैं, संविदा कर्मचारी अगर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल जो हायरिंग रूल्स हैं उसके तहत 5 साल काम करने पर उनको नियमित किया जाएगा और नियमित होने पर उनका स्थायी यहाँ पर जो फिक्स है रेगुलराइज किया जाएगा। मतलब इसमें क्या रहेगा, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट करने के बाद में 5 साल हो गए हैं उन पदों पर काम करते हुए, तो उनको स्क्रीनिंग करते हुए नियमित किया जाएगा और पद को स्थायी पद के समकक्ष माना जाकर इसी आधार पर संविदा कर्मचारियों का जो मानदेय है वो निर्धारण किया जाएगा। साथ ही संविदा कर्मचारी को स्पेशल पे प्रोटेक्शन का भी प्रावधान किया है। नियमित होने पर ओल्ड पेंशन योजना का नाम लाभ मिलेगा। मैं बता दूं, करीब 1,10,279 संविदा कर्मचारी को यहां पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किया है, न कि नियमित। मैं बता दूं एक बार स्पष्ट आपको शब्दों में बता दूं कि 1,10,279 संविदा कर्मचारी जो है
उनको अडॉप्ट किया है, अभी नियमित नहीं किया है। अडॉप्शन के बाद में जो स्क्रीनिंग करते हुए नियमितकरण की जो प्रोसेस है वो की जाएगी। साथ ही स्पेशल पे प्रोटेक्शन का जो प्रावधान किया गया है, और आप देख सकते हैं अगर संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाता तो उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 110,279 जो संविदा कर्मचारी हैं, कौन कौन से विभाग के जो कर्मचारी इसमें शामिल हैं। शिक्षा विभाग के करीब 41,423 संविदा कर्मचारी, जिसमें शिक्षा कर्मी, पेरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक और अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 18,326 जो कर्मचारी हैं वो राजीविका और मनरेगा के शामिल हैं। अल्पसंख्यक विभाग के करीब 5,697 मदरसा पैरा टीचर, चिकित्सा विभाग के, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा के करीब 44,833 एनएचएम कर्मी सहित विभिन्न पद इसमें शामिल है। इस प्रकार से कुल 110,279 संविदा कर्मचारियों को शामिल यहां पर किया गया है। मैं बता दूं अभी तक किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया है। यहां पर जो नियमितीकरण रास्ता खोला गया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत करीब 110,279 जो संविदा कर्मचारी हैं उनका अडॉप्शन किया गया है। अडॉप्शन के बाद उनका नियमितकरण का जो रास्ता है वो स्क्रीनिंग के माध्यम से खोला जाएगा। तो फिलहाल भी किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज है आज काफी जो समाचार है उसमें यहाँ पर प्रकाशित हो रही है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू हो चुके हैं। यहाँ पर दीपावली से पहले इन रूल्स को लागू किया गया है। करीब 110,279 से अधिक जो संविदा कर्मचारी है उनको रूल्स का तोहफा दिया गया है, न कि नियमितीकरण का। बता दूं रूल्स में लाने के तहत इसके बाद में इनको स्क्रीनिंग करते हुए नियमित किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से कर्मचारी लाभान्वित होंगे इससे। शिक्षा विभाग के जो है शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इनको शिक्षा विभाग के अधीन रखा गया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो ग्राम पंचायत सहायक है उनको भी शिक्षा विभाग के अधीन रखा गया है। इनके तहत कुल जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी 41,423, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के राजीविका और मनरेगा के कुल 18,326, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के 5,697 मदरसा पैरा टीचर, और सबसे ज्यादा जो संविदा कर्मचारी है मेडिकल हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के 44,833। पारदर्शी तरीके से हो सकेगी अब भर्ती। मैं बता दूं संविदा कर्मचारियों के लिए भी अब जो भर्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। गजट नोटिफिकेशन जो पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन नियमों पर अब भर्तियां की जाएगी। साथ ही नियमों में यह भी ध्यान रखा गया कि मैं बता दूं इनका जो समकक्ष पद है वो भी यहाँ पर तय किया गया है नियमों में, जो किस पद को किस पद के समकक्ष माना है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने के बाद में ही यहाँ पर पता लग सकेगा। इसी आधार पर संविदा कर्मचारी के मानदेय का निर्धारण किया गया और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा गया है। नियमित होने पर इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। संविदा कर्मी को नियमित करने को लेकर समय समय पर बनी कमेटियां, लेकिन इस समस्याओं का स्थायी समाधान यहां पर नहीं हो सका। इसी को लेकर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए गए और इनको दीपावली से पहले पहले अडॉप्ट किया गया करीब 110,279 संविदा कर्मचारियों को, और अडॉप्शन के बाद में ही यहाँ पर स्क्रीनिंग की कार्रवाई करते हुए इनको नियमित किया जाएगा और स्पेशल पे प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं नियमित करने के बाद में इनको ओल्ड पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कल यहाँ पर एक प्रेस नोट जारी करते हुए सीएमओ ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें आप देख सकते हैं संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व मानवीय पहल, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही है सरकार, यानी कि कर रही है, किया नहीं है अभी, करेगी, यानी कि भविष्य में यहाँ पर करेगी, अभी तक किया नहीं है। इसके अलावा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यहाँ पर लागू कर दिए, जिसका लाभ 110,279 से अधिक संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। मैं बता दूं माननीय सीएम अशोक जी गहलोत ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने की के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है।
कल वीसी के माध्यम से बैठक की गई और बैठक में आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री बी डी गल्ला, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री रमेश मीणा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री श्री शाले मोहम्मद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, शिक्षा विभाग के एसीएस श्री पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर पृथ्वीराज, शासन सचिव अल्पसंख्यक मामला पीसी किशन और अन्य उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और विषय के माध्यम से जो प्रस्ताव है, जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूरी यहाँ पर दे दी, जिसका फायदा जो है करीब 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को होगा और इन नियमों के तहत इन संविदा कर्मचारियों को लाया जाएगा। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि जो 1,10,000 जो संविदा कर्मचारी हैं नियमों के तहत लाने के लिए से इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी, और जो संविदा कर्मचारी हैं चाहे वो राजस्थान सरकार की स्कीम हो, चाहे वो केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी स्कीम हो, इनसे जुड़ी क्रियान्वित इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये जो है समय समय पर बढ़िया काम करते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया, यहाँ तक कि कई राज्यों में तो इनका मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण से लिए गए इस फैसले के से करीब 1,10,000 से अधिक जो संविदा कर्मचारी है उनकी सामाजिक सुरक्षा डिसाइड होगी और इससे यहाँ पर इनके नियमितीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आप देख सकते हैं इस जो फैसले से कौन कौन से जो संविदा कर्मचारी वो लाभान्वित होंगे, मैं बार बार आपको बता दूं कि इनको परमानेंट अभी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण का रास्ता निकाला है कि किस प्रकार से इनको नियमित किया जा सकेगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के एडॉप्शन के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी अभी यहाँ पे दी है। करीब 1,10,279 संविदा कर्मचारी है इनको अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्शन के बाद में स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस है वो अपनाई जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर नियमित करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही मैं बता दूं विभागवार जो पद हैं उनके समकक्ष पद भी बनाए गए ताकि भविष्य में अगर इनको नियमित किया जा रहा है तो कोई दिक्कत ना आए और उनके जो समकक्ष पद है उनके तहत इनको नियमित किया जा सके। आप देख सकते हैं वरीयता सबसे पहले दी जाएगी, मैं बता दूं इससे शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक और अंग्रेजी माध्यम के जो अध्यापक हैं सहित कुल 41,423 संविदा कर्मचारी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में राजीविका में मनरेगा सहित कुल आप देख सकते हैं 18,326। अल्पसंख्यक विभाग के 5,697 मदरसा पैरा टीचर, चिकित्सा विभाग मेडिकल एंड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के 44,833। इस प्रकार कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारी इन नियमों से लाभान्वित होंगे। साथ ही मैं बता दूं अब राजस्थान जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू हो चुके हैं, इससे संविदा कर्मचारियों की जो भर्ती है वो पारदर्शी तरीके से हो सकेगी, इसमें आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन होगा। साथ ही जो संविदा कर्मचारी 5 साल तक काम कर लेंगे यानी कि भविष्य में करेंगे इन नियमों के तहत आने के बाद में, तो उन्हें भविष्य में नियमों के इन पदों पर नियमित होने पर उन्हें संविदा कर्मचारियों में से स्क्रीनिंग कर स्थायी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस पद के समकक्ष माना गया है और इसी आधार पर संविदा कर्मचारियों के मानदेय का भी निर्धारण किया गया है। स्पेशल पे प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है और नियमित होने पर इन कर्मियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। मैं बता दूं वर्ष 2021-22 के बजट में संविदा कर्मचारियों के विभागवार डेटा बनाने की जो कैडर बनाने की घोषणा की थी, इसके बाद में वर्ष 22-23 के बजट में जो विभिन्न संविदा कर्मचारी जैसे कि ग्राम पंचायत सहायक, पैरा टीचर और रोजगार सहायक के मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा की थी, और इसके बाद में पहली बार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए,
ताकि समाज का हर वर्ग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सके। और इसी सोच के साथ इस फैसले से लाभान्वित होने वाले संविदा कर्मचारियों को गहलोत ने बधाई यहाँ पर दी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, करीब 110,279 जो संविदा कर्मचारी उनको अभी तक अडॉप्ट किया है, परमानेंट नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं 110,279 जो संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी है। और ये जो अडॉप्शन का जो प्रस्ताव है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत इन जो प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब अडॉप्शन के बाद में स्क्रीनिंग करते हुए इनको नियम किया जाएगा। और इस प्रस्ताव अडॉप्शन के जो प्रस्ताव के बाद में मंजूरी देने के बाद में जो संविदा कर्मचारी जो लाभान्वित है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, अल्पसंख्यक विभाग और चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी है 110,279 वो यहाँ पर लाभान्वित होंगे। मैं बता दूं ये जो रूल्स लागू होने के बाद में इनको 5 साल काम करने के बाद इनको नियमित किया जाएगा। नियमित होने पर इनको स्थायी किया जाएगा। साथ ही पद को स्थायी पद के समकक्ष माना, यानी कि अलग अलग पदों को इनके समकक्ष पद भी डिसाइड यहाँ पर किए। डिजिटल नोटिफिकेशन आने पर आपको संपूर्ण जो बातें हैं वो यहाँ पर खुलकर बताई जाएगी। साथ ही इस पद को किस पद के समकक्ष बना है, क्या आपका मानदेय निर्धारण किया गया है, वो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चल सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं समकक्ष पद माना गया है। और भविष्य में अगर स्थायी करने का जो निर्णय किया जाता है तो संविदा कर्मचारियों में से ही प्राथमिकता दी जाएगी। स्पेशल पे प्रोटेक्शन का ध्यान दिया गया है और नियमित होने पर ओल्ड पेंशन स्कीम का भी बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान रोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन